हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 5 है। आपके जो न्यू सिलेबस आई हुई है टर्म 1 में, उसे इस चैप्टर को मेंशन किया गया है एज यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो टेलीग्राम की मेरी ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां पे जुड़ के आप मुझसे जो भी वो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेशनल मेराइन फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन, इंटरनेशनल मार्केट फंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फाइंड करेक्ट। आईएमएफ इज अ पार्ट ऑफ यूएन। सो आईएमएफ जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है। यूनाइटेड नेशन के साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत सारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर काम करती है, उसमें से एक आईएमएफ भी है। नेक्स्ट, IMF oversees those financial institutions and regulations that act at international level. So IMF करती क्या है? तो जो भी financial institutions है, financial institution का मतलब जैसे for example bank, bank एक तरह के financial institution हो गए, money से related work कर रही है। तो जो भी financial institutions जो है, जो international level पे काम कर रही है, तो उनका जो है, उनको देखती है वो, उनको regulation करने का, उनको regulate करने का try करती है, तो ये इसका काम है। तो बिल्कुल दोनों ही correct है, हमारा answer होगा option C। Find incorrect। IMF has 189 member countries। तो IMF जो है, उसमें total 189 countries है फिलहाल के लिए। ये जो data है, ये 2016 तक का है, आपके NCERT के according। So 189 members है, तो बिल्कुल correct बात है ये। All country enjoy an equal say in IMF। IMF में सभी जितने भी country है, जितने भी 189 countries है, सभी की वहाँ पे voting power जो है वो same है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। IMF में सभी की voting power same नहीं है। IMF में होता ये है कि सभी country की voting power अलग-अलग होती है। तो जिस country का contribution जितना है पैसे से, money से, उस country का voting power उतना ही ज़्यादा। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो है अमेरिका का। तो इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत है। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइंड इनकरेक्ट। यूएस हैज हाईएस्ट वोटिंग पावर इन आईएमएफ। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका की हाईएस्ट वोटिंग पावर है आईएमएफ में। चाइना हैव हाईएस्ट वोटिंग पावर फ्रॉम एशिया। एशिया में जितने भी कंट्रीज है जो मेंबर है आईएमएफ के, उनमें से चाइना का सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है। नहीं, ये गलत बात है। सबसे ज्यादा एशिया में से किसका है? जापान का। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईएमएफ। नहीं, ये भी गलत है। इंडिया बिल्कुल मेंबर है आईएमएफ का। तो रॉन्ग कौन सी हो गई? 2 और 3। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है ऑप्शन 2। द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। वर्ल्ड बैंक जो है, इसका फॉर्मेशन किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उस 1944 में। बिल्कुल करेक्ट है। इट एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन डेवलप कंट्री। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है, ये लोन देती है किनको? डेवलप कंट्री को। नहीं, डेवलप नहीं, जनरली इनका लोन जो है वो डेवलपिंग कंट्री को, या फिर जो अंडर डेवलप कंट्री है, मतलब लो इनकम वाले कंट्री, मिडिल इनकम वाले कंट्री, उनको फोकस ज्यादा रहता है, डेवलप वालों को नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये वाली गलत हो गई। करेक्ट फाइंड करना है ओनली 1। वर्ल्ड बैंक वर्क्स फॉर, तो वर्ल्ड बैंक जो है लोन, जैसे मैंने अभी बताया कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो क्या, कौन से कारण के लिए लोन देती है? तो मान लो किसी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर कोई वर्क हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे हो सकता है कोई रोड बन रहा हो, तो वो एक तरह की ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। कहीं स्कूल बन रही हो, कॉलेज बन रही हो, कहीं कोई एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो रहा हो, कहीं पे मान लो किसी विलेज एरियाज में कोई बड़ा सा पॉन्ड बन रहा हो, उसके लिए वो लोग लोन दे सकते हैं। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस के लिए। तो बिल्कुल ये सभी करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक जो है अपनी मेंबर कंट्रीज को लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। देखो, लोन क्या होता है? लोन ये होता है कि वर्ल्ड बैंक जो पैसा देती है वो बाद में उस कंट्री को कुछ इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे लोन। ग्रांट्स क्या होती है? ग्रांट्स का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक वो पैसा किसी कंट्री को दे देती है, और फिर उस कंट्री को वो पैसा लौटाना नहीं है। ग्रांट मतलब एक तरह की गिफ्ट दे दिया कि अब उसको वो लौटाना नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन भी देती है और ग्रांट्स भी देती है कंट्रीज को। बिल्कुल सही बात है ये।
इट एक्सरसाइज इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन द इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखो वर्ल्ड बैंक जब इतना सारा लोन दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, और ये लोन जो होती है ये काफी कम इंटरेस्ट होती है, तो दैट मीन्स जिस सभी कंट्री क्या चाहते हैं कि उनको वर्ल्ड बैंक से लोन मिल पाए, ग्रांट्स मिल पाए, तो वर्ल्ड बैंक जब इतना कुछ कर रही है उस कंट्री के लिए, तो वर्ल्ड बैंक उसके बदले में क्या डिमांड करती है, तो उसके बदले में उन कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का ट्राई करती है। उन कंट्री को जो है स्पेशली डेवलपिंग कंट्री का अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करती है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है, तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। ऐसा सा रीजन, वर्ल्ड बैंक इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा फॉर द पुअरर नेशन। तो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक को बहुत बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों, जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड बैंक लोन तो प्रोवाइड करती है लेकिन बहुत बार लोन प्रोवाइड करने के बदले कंट्री से डिमांड करती है कि आप अपने कंट्री में ये चेंज लाओ, आप अपने कंट्री में ऐसा लॉ बनाओ, आप अपने कंट्री में ये लॉ को खत्म करो, मतलब कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, स्पेशली इकोनॉमिक जो मैटर्स जो होती है। तो इस कारण से वर्ल्ड बैंक को काफी सारे कंट्रीज जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपना इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो सेट करती है, पुअर कंट्री को बताती है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट पुट स्ट्रिंजेंट कंडीशन टू इट्स लोन एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म इन द पुअर नेशन। तो जैसा मैंने बताया वर्ल्ड बैंक लोन तो देती है, ठीक है, लेकिन लोन देने के बदले में क्या करती है, कुछ कंडीशन रखती है, कुछ शर्तें रखती है। क्या शर्तें रखती है, कि जो गरीब कंट्री है, पुअर कंट्री है, नेशंस है, उनको फोर्स करती है एक तरह से कि वो अपने कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए, मार्केट रिफॉर्म लेके आए। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है, देखते हैं क्या ये रीजन है। तो बिल्कुल क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये पुअर कंट्री को इस तरह से फोर्स कर रही है, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WTO, WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑपरेटर, वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO सेट रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड, सही बात है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है, किसी दूसरे कंट्री का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीके से ट्रेड हो रहा है ना। तो जो भी ग्लोबल ट्रेड जो होगा, जो एक कंट्री दूसरा कंट्री से ट्रेड कर रही है, वहां पर भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, तो वहां रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करने में WTO अपना रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1945, नहीं 1945 में नहीं, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1995 में, ये वाली गलत हो गई, करेक्ट फाइंड करना है ओनली वन, फाइंड करेक्ट। WTO वॉज फॉर्म एज ए सक्सेसर टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ क्रिएटेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो WTO से पहले क्या कोई ऐसा बॉडी था जो पूरे वर्ल्ड में जो भी बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उनको कंट्रोल करे, उनको रेगुलेट करे, तो हाँ बिल्कुल था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बोलते हैं GATT, GATT, आपको फुल फॉर्म याद रखना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसको क्रिएट किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, इसको क्रिएट किया गया था, इसका काम ये था कि वर्ल्ड में जो बिजनेस हो रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, उनको कंट्रोल करना, लेकिन फिर ये सही तरीके से वर्क नहीं हो पाया, तो फिर बाद में हम लोगों ने इसको हटा करके इसके बदले हम लोग लेके आए WTO। तो बिल्कुल इनकी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। इट हैज 164 मेंबर एज ऑफ 2016, WTO में टोटल 164 मेंबर है, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है, तो हमारा आंसर दोनों ही करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। रीजन, The developing country often complain of non-transparent procedure in working of WTO. तो जो developing country है वो बहुत बार criticize करते हैं WTO को, World Trade Organization को, क्यों, क्योंकि WTO की जो working जो है बहुत बार ऐसी नजर आती है कि इनकी working support करती है developed country को, जो US है, EU है, European country है, बहुत बार ऐसा नजर आता है कि ये सही तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत बार डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनको क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। द मेजर इकोनॉमिक पावर सच एज US, EU, जापान हैव मैनेज्ड टू यूज WTO टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि WTO जो है ये रूल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये रूल सेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो बहुत बार क्या होता है कि जो अमेरिका है या यूरोप की कंट्री है या जापान है, जो थोड़े डेवलप कंट्री है, ये लोग क्या करते हैं WTO का जो रूल बनाने का प्रोसीजर है उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करके ऐसा वहां पे रूल बनवाते हैं जो उनके लिए फायदे का हो, ठीक है, तो बिल्कुल ये रीजन करेक्ट है, और इसी कारण से डेवलपिंग कंट्री जो है वो उनको क्रिटिसाइज करती है WTO को, तो रीजन भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइन करेक्ट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957, तो IAEA फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1957 में हुआ था, सही बात है।
इट केम इन टू बींग टू इम्प्लीमेंट यूएसएसआर प्रेसिडेंट डुलाइट आइजनहावर एटम फॉर पीस प्रपोजल। देखो एक प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, ठीक है, तो इनका एक प्रपोजल था कि एटम फॉर पीस, एटम फॉर पीस बेसिकली इनका मतलब ये था कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, वो न्यूक्लियर जो मटेरियल है जो एटम बॉम्ब में यूज होती है, तो हम लोग उसे एटम बम में यूज ना करें, हम लोग उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज करें, शांति के लिए यूज करें, वॉर के लिए यूज ना करें। तो ऐसा बोलना था आइजनहावर का। ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट यूएसएसआर के नहीं थे, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, यानी ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है ओनली वन, फाइंड करेक्ट। IAEA seeks to promote peaceful use of nuclear energy and to prevent its use for military purpose. तो IAEA का मेन जो काम है, मेन जो मकसद है, वो क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका यूज जो है वो क्या करे, मिलिट्री यूज ना करे, इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज करे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करे, रिसर्च के लिए यूज करे, मिलिट्री में जैसे जापान पे बम गिरा दिए थे उन सब पर्पस के लिए यूज ना करे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। IAEA team regularly inspect regular nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purpose. आपको पता होगा कि बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग जो है यूज करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करते हैं। तो जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है, हमारे कंट्री में भी काफी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये IAEA की जो टीम जो है, ये इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टाइम टू टाइम ये जाती है और चेक करती है कि वो लोग क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी ही तो बना रहे हैं, कुछ और दूसरा मिलिट्री का बॉम्ब्स वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं बना रहे। तो इसको चेक करने के लिए वो लोग बीच बीच में, वो लोग अलग अलग कंट्री में जाते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो है वर्किंग करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। आप मुझे कमेंट करके बताओ तो हमारे कंट्री में जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, या उसका कोई नाम अगर आपको पता है तो बताओ। तो आप लोगों ने जरूर ज्योग्राफी के एनर्जी वाली चैप्टर में करी होगी। तो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट जो है हमारे कंट्री में काफी सारे हैं, तो उनमें से किसी का भी नाम बताओ। तो नेक्स्ट, Amnesty International is an NGO that campaign for protection of human right all over the world. So Amnesty International है, ये क्या है, एक NGO है, non-governmental organization है, ठीक है। तो ये करती क्या है, तो mainly ये campaign lead करती है, basically इनका काम ये है कि जो corruption है उसको खत्म करना, उसको कम करना। तो ये Amnesty International जो है ये क्या करती है, जैसे पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन राइट की प्रॉब्लम्स जो हो रही है, लोगों से को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनको वो बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करेंट में देखो, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है कि अफगानिस्तान में जो वुमेन्स है उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, उनको स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं, इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल आता है और फिर वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। तो पूरे वर्ल्ड में जब एमनेस्टी इंटरनेशनल जब अफगानिस्तान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, तो पूरे वर्ल्ड को पता चलता है कि ओके अफगानिस्तान गवर्नमेंट कितना गलत कर रहा है। तो बाकी कंट्री जो है अफगानिस्तान पे प्रेशर डाल सकेंगे कि आप ये जो कर रहे हो गलत है, इसको बंद करो। तो बेसिकली इस तरह से लोगों का हेल्प करती है करप्शन कम करने में, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में, यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है ये। नाउ इट प्रोटेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि ह्यूमन राइट्स की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसको ये प्रमोट करने में हेल्प करती है। तो करेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। Amnesty International believes that human rights are interdependent and divisible. Amnesty International का मानना ये है कि देखो किसी भी पर्सन का और ये दो पर्सन है, इन दोनों का ह्यूमन राइट जो है वो एक दूसरे पे एक तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है। ह्यूमन राइट जो है वो किसी भी पर्सन का अकेला, किसी एक सिंगल पर्सन का बात नहीं है। मान लो किसी कंट्री में कि मान लो वुमेन के साथ में अगर उनको प्रॉपर राइट नहीं दिए जा रहे हैं, कल के डेट में हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी एक पर्टिकुलर इथनिसिटी के लोगों को राइट ना दिए जाए, तो ये अलग नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स जो है ये इंटरडिपेंडेंट है और डिविजिबल नहीं, इनडिविजिबल होगा, डिविजिबल नहीं इनडिविजिबल होगा। इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, किसी ह्यूमन को उसके ह्यूमन राइट्स से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का वर्क क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, कि लोगों की जो लाइफ है वो बेहतर हो सके। तो ये तो गलत हो गई, इनडिविजिबल होना चाहिए था।
इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। तो वर्ल्ड में कहां पे ह्यूमन राइट का मिसयूज हो रहा है, कहां पे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट का कंडीशन कैसा है, कहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट मिल रहा है, कहां पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, सो इन सब चीजों को लेकर के ये अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, करेक्ट फाइंड करना है हमें। तो ओनली टू Assertion reason, many government are not happy with the Amnesty International report. देखो Amnesty International report जो है, जब ये report जारी करती है, report publish करती है, तो वहाँ ये बताती है कि देखो इस particular country में human right की violation हो रही है। मान लो Amnesty International अपना report next निकालेगी, वहाँ पे वो बताएगी कि देखो अफगानिस्तान में कितना गलत हो रहा है। अब तुम ये बताओ कि अफगानिस्तान की government जब इस report को देखेगी तो उनको तो ये लगेगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उनके अगेंस्ट में बात कर रही है। तो इसी कारण से बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से हैप्पी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने रिपोर्ट में उन कंट्रीज के बारे में खराब लिखती है कि देखो यहाँ पे तो सब कुछ खराब है, यहाँ पे जो है काफी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाली करेक्ट हो जाएगी। मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो जो मेजर फोकस है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो कहां होता है कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन के साथ कैसा बिहेव करती है। अगर अच्छा बिहेव करती है दैट मींस वहां पे ह्यूमन राइट अच्छा है, अगर अच्छा बिहेव नहीं करती है दैट मींस वहां ह्यूमन राइट का अब्यूज हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो बिल्कुल ये रीजन भी करेक्ट है। Now, अब हम लोग देखते हैं क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एसेसन देखो ये हैप्पी गवर्नमेंट जो है हैप्पी नहीं है क्योंकि ये रिपोर्ट निकालती है ना। और रीजन क्या है, बिकॉज बहुत सारे एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो रिपोर्ट्स होती है वहां पे वो गवर्नमेंट की मिसकंडक्ट की बात करती है, तो इस कारण से गवर्नमेंट नाराज हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। ह्यूमन राइट वॉच इज एन इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट। तो एक और दूसरी ये एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है ह्यूमन राइट वॉच। तो ये एक एनजीओ है और ये भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर के वर्क करती है, ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन को लेकर के ये वर्क करती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट फाइंड करना है हमें। ठीक है, सो फाइंड द इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस। सो ये यूनाइटेड यूएस में सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के वर्क कर रही है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। ह्यूमन राइट वॉच ड्रॉज द ग्लोबल मीडिया अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूज। कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट की अब्यूज अगर हो रही है तो वहां पे ह्यूमन राइट ये वॉच जो एनजीओ जो है ये वर्ल्ड की ग्लोबल मीडिया का अटेंशन वहां पे लेके जाती है, लोगों को बताती है कि देखो पर्टिकुलर इस जगह पे इस कंट्री में इन लोगों के साथ जो है काफी ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। तो इस तरह से वो जो है ग्लोबल मीडिया का अटेंशन जो है वो ड्रॉ करती है। बिल्कुल ये करेक्ट है। इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोएलिशन लाइक कैंपेन टू बैन लैंडमाइंस, to stop use of child soldier and to establish the international criminal court। मतलब क्या है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारी चीजों को लेके कैंपेन करती है। मान लो कहीं पे काफी ज्यादा लैंड माइंस जो है वहां पे अगर है, या फिर मान लो कहीं पे काफी ज्यादा वहां पे किसी कंट्री में चाइल्ड सोल्जर्स है। मतलब चाइल्ड सोल्जर मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री के आर्मी में आप वहां का देखोगे कि 10 साल के बच्चे को वहां पे रिक्रूट कर दिया है, 10 साल के बच्चे को हाथ में गन थमा दिया है, तो ये तो गलत है। उस बच्चे का तो अभी उम्र है कि वो जाके अपना खेले अपना स्टडी करे, लेकिन उसको आपने गन थमा दिया, वॉर करने के लिए भेज दिया, तो ये एक तरह की ह्यूमन राइट वायलेशन हो गई। तो इस तरह के इश्यूज पे ये क्या करती है, बहुत सारे कैंपेन करती है, प्रोटेस्ट करती है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है, करेक्ट फाइंड करना है हमें। तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो फाइनली आपके लास्ट चैप्टर बच जाएगी टर्म वन के लिए, मैं वो स्टार्ट करूंगा। और एंड करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अगर डाउट है, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है, आपको लाइव क्लास मेरी अटेंड करनी है, डाउट में डिस्कशंस करने हैं, तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम पे आके ऐड होके आप वहां से मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। थैंक यू।